फ्रेंड्स, आज हमारे अनोखा किचन में बन रहे मटर पुलाव। बहुत खिली खिली मटर पुलाव बनाएंगे और टेस्टी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना। अगर आप सबको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर रेसिपी आप सबको मिलती रहे। हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। देखिए, मैंने 2 छोटा साइज प्याज ली हूँ, 4-5 हरी मिर्च और टमाटर ले ली हूँ, 1 बड़ा साइज का। 1 कटोरी मैंने चावल लिए, आप किसी भी कटोरी या कप से मेजरमेंट कर लीजिए। इसे अच्छे से धुल लेंगे चावल को, 2-3 पानी से धुल कर इसका पानी निकाल देंगे। ऐसे पानी डालकर किनारे पे रख देंगे भिगोने के लिए। थोड़ा सा मटर लिए हैं, अब कुकर रख दिए हैं गैस पर और इसमें 2 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। पुलाव हम घी में ही बना रहे हैं, घी में टेस्टी बनता है पुलाव। हम कुछ मसाले लिए हैं, देखिए, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, 3-4 छोटी इलायची है, 2 बड़ी इलायची है, जीरा है, थोड़ी सा जावित्री है, 4-5 काली मिरी है, 4-5 लौंग है। ऐसे अच्छे से डालकर भूनूंगी और इसमें 4-5 मतलब 6-7 मैंने काजू डाल दिए, उसे भी अच्छे से भून लूंगी ताकि हमारे मसाले से अच्छे से खुशबू आने लगे। अब इसमें स्लाइस किया हुआ प्याज काट कर डाल दे, काट कर रखी थी उसे डाल दे रही हूँ। 1 बड़ा साइज का प्याज काटी हुई मैंने, अब इसे अच्छे तरह से भून लूंगी। गैस को मैंने हाई फ्लेम पे ही रखा है। देखिए, हमारा प्याज भून रहा है अच्छी तरह से, इसे ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा गुलाबी हो जाए। देखिए, फटाफट वाली रेसिपी है, बच्चों के टिफिन विपिन के लिए बना सकती हैं। देखिए, हमारा प्याज भून गया तो इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए, इसे भी अच्छी तरह से भून लेती हूँ। अब इसमें जो टमाटर काट कर रखे थे और मिर्च मैंने बीच से फाड़ लिए, इसे खड़ा खड़ा मिर्च को मैंने डालिए बीच से फाड़ कर, और टमाटर और मिर्च डाल दिए, इसे भी भूनेंगे अच्छी तरह से। अब इसी में मटर डाल देंगे, मटर भी मैंने 1 कटोरी ही डाली है, जिस कटोरी से मैंने चावल ली थी उसी कटोरी से मटर भी डाली है। और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। इस मसाले में देखिए चावल भी हम डाल धुल के रखे थे, पानी निकाल दिए अच्छे से, अब इसे डाल दे रहे हैं चावल को। ऐसे हल्का हाथों से चलाएंगे ताकि टूटे ना। बस मैंने चावल 7-8 मिनट के लिए रखे थे भिगोने के लिए, ज़्यादा देर तक नहीं भिगो के रखी थी क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं, इसलिए ज़्यादा देर तक नहीं हम चावल को भिगो के रखे थे। चलिए, गैस को हम थोड़ा सा स्लो पे रखे हैं, चावल को भूनने देते हैं। ऐसे किनारे से चलाएंगे, बीच से नहीं चलाएंगे कि टूट जाए, हल्का हाथों से चलाएंगे चावल हमारा टूटे ना। चलिए, हमारा चावल भी थोड़ा सा हल्का सा भून गया, 1 मिनट के लिए भूनी थी, अब इसी में पानी डाल दे रहे हैं हम। जिस कटोरी से चावल लिए थे उसी कटोरी से मैं 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ, इसे हल्के हाथे से चला दूंगी। अब चला कर इसे ढक्कन लगा कर 1 सीटी आने दूंगी। देखिए, हम ढक्कन लगा कर इसे छोड़ दे रहे हैं, हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने देती हूँ। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे, अब प्रेशर पूरा निकल जाएगा तब हम कुकर को खोलेंगे। देखिए, हमारी सीटी आ गई है, अब गैस को बंद करते हैं। मैंने जो मसाले डाली, अगर उसमें से आपके पास एक आध मसाले ना हो तो ना डालिए, लेकिन बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी वगैरह ये ज़रूर डालिए आप। जीरा भी डालिएगा, इसे बहुत अच्छा स्वाद आता है। देखिए, कुकर मैंने खोल लिए और चावल देखिए हमारे कितने खिला खिला हुआ है। इसे ऐसे ही खोल कर थोड़ा सा ढक्कन लगा के रख देती हूँ किनारे पे, इसे 5 मिनट के बाद सर्व करेंगे। चलिए, 5 मिनट हो गया, अब इसे सर्व कर ले रहे हैं। देखिए, मैंने कुकर में बनाई है, कितना खिला खिला चावल बना है, बहुत फटाफट वाली रेसिपी है। अभी मटर का सीजन है, बहुत टेस्टी लगता है, तो आप सब भी जरूर बनाइए, खाइए और कॉमेंट कीजिए कि आप सबको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। लीजिए, हमारा मटर पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी है।